इंतज़ार था, तो वो दिन आ चुके हैं। रमज़ान का टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच स्टार्ट होने वाले हैं। सिर्फ वो मेरे ख्याल से सिर्फ वो दो बंदे ओपी का कम है, तो ओपी नाना तक जो भी नाम है एसएस कोचाई को अपने टीम को जाए। ओपी दाद आ चुके हैं और एसएस बादल आ चुके हैं, जैन आ चुका है, बच्चा आ चुके हैं, तो उसको चाहिए को थोड़ा सा एक्सपेक्टेड पर लेते हैं ना। एक मिस्टेक हो गया, गेम को अल्ट्रा पर नहीं लिया, तो उसके लिए सॉरी। तो जी जल्दी बोलो, किसी के पास तो बंदा नहीं है तो बोलो। सो बार कहूँ नहीं, मज़ा आएगा तो जी। थैंक यू फॉर वाचिंग, कमिंग मज़ा तो आएगा, तो देखते हैं क्या करते हैं। बंदा कौन बोल रहा है, तो इसको बाहर करते हैं ना। हाँ, इसको बाहर किया तो लिंक सो शोसेन को चाहिए, और लिंक शेयर कर लेना। तो 302 शाहजी को चाहिए कि वो जाए और लिंक शेयर करे ग्रुप में। तो भाई एक बंदे को जल्दी ऐड करो ना, क्या कर रहे हो। आदिल आ चुके हैं, ओपी ओपी को सपोर्ट कर रहे, जज टीम को सपोर्ट कर रहे। वो कमेंट्स में कर लो भाई कौन जीतेगा ये मैच, तो भाई सपोर्ट कर लो अपने अपनी टीम को। हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब भी किया करो, क्योंकि हम आपको ये कस्टम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने हैं। तो भाई हमारा भी यूट्यूब को आगे लिंक शेयर करो, फ्रेंड्स को भेज दो, सब्सक्राइब मारो, तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा भाई। कस्टम का रूल तो आपको पता है कि इसमें कोरोना का इस्तेमाल नहीं है, डबल विक्टर नहीं है, ग्रेनेड नहीं है, AWM नहीं है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। तो जिसने मैंने रूल तो शेयर भी किया ग्रुप में, और इसको एक बंद अभी इस कस्टम को मैंने बहुत क्विकली बना लिया। मैंने गेम को अल्ट्रा पर नहीं लिया, तो मैं पाक टीम 17 में हूँ। हाँ, तो पाक टीम 17 में हो, ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सा टीम आज सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, तो आई एम फाइन। पाक टीम शेरी हान आ चुका है, जलाल हाउ आर यू, आई एम फाइन। एक आप कैसे हो, आप बताओ अपने बारे में बताओ भाई। हम तो ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, बस एक बंदे का वेट कर रहे हैं। बस टाइम पर स्टार्ट करेंगे, सिर्फ 5 मिनट है, बस सिर्फ 5 मिनट वेट कर लेंगे, वरना टाइम पर स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद इसके बाद एक जो मैच होगा, ओ मेरे ख्याल से T17 वर्सेस वर्सेस BT फादर के दरमियान होगा। तो लिंक को शेयर करो ना। तो भाई इधर एक बंदा की कमी है और एक बंदा की कमी है, तो एक बंदे को जल्दी ऐड करो ना।
हाँ तो ओपी को, ओपी को सपोर्ट कर रहे आदिल भाई, ओपी को सपोर्ट कर रहे। तो टाइप अरमान, अरमान को एक रिक्वेस्ट है, तो भाई अरमान को चाहिए को लिंक को ग्रुप में शेयर कर ले जो अभी आ चुके हैं। तो स्टार्ट के बोलते क्या बोलते, प्लेयर रेडी है। क्या बोल रहे हैं यार, यार उमर को एक्सपेक्टेड करो, उसको एक्सपेक्टेड करो, किसी कौन 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 को मैं एक्सपेक्टेड बनाऊँ यार। एक बंदे को ऐड करो जो आपका प्लेयर है, कसम से फजूल बंदे को ऐड कर रहे यार, मैं इसको पता नहीं है। फिर क्यों ऐड करते हो, तो भाई मैं स्टार्ट होने वाली है, दोनों ने बोला स्टार्ट के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं ये मैच, एक छोटा सा मैच। तो गो विद 1 2 3 गो। तो स्टार्ट हो गया भाई ये मैच, मेरे यार से लिंक भी शेयर हो गया, अरमानी ने लिंक को शेयर किया। तो देखते हैं क्या होता है इस कस्टम में। तो भाई मैच स्टार्ट हो गया, हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट का मैच, टू टीम्स पार्टिसिपेट करेगा। अभी हमारे पास 30-40 टीम आ गए हैं, तो नेट थोड़ा सा स्लो नज़र आ रहा है। इधर ऊपर से मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, अगर ऐसे मैसेज आते रहे तो फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। देखते हैं क्या होता है ना। इधर मेरे पास कुछ आ नहीं रहे तो क्या करे, उधर ये क्या सीन है यार। व्हाट इज दिस, फर्स्ट ब्लड, डबल किल। इधर सिर्फ डबल किल का आवाज आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। ओ मेरे ख्याल से जान ने रिटिगल यूज करते हुए, अभी आ गया नेटवर्क आ गया भाई। तो ओपी की तरफ चलते हैं, ओपी गुलवाल पे गुलवाल लगा रहा है, इधर चलते हैं क्यूट की तरफ, तो नेटवर्क हाई हो जाता है, पता नहीं क्या मसला है। दादा के साथ चलते हैं, दादा बहुत, ओ ओ दादा ने बंदे को नाक किया, को खूबसूरत शॉट दे दिया मेरे ख्याल से दादा ने। तो दादा ने एक बंदे को ख़त्म किया, एसएस का एक बंदा। तो उधर ओ आओ भाई, ओपी काका ने क्या हेड शॉट मारा है, बेटा को देख लेते तो बच्चा भी हफ्ते दो बंदे बाकी। तो मैंने एक दो मसला होगा ना, तो इधर काका 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 क्या बात है, इधर काका वैसे इसका तीन बंदे, सिर्फ अकेले काका पूरा स्क्वाड को मार पाएगा या नहीं, तो ये देखते पापा क्या करता है। पापा के साथ बादल है, जैन है, बिटशा है, इधर पापा एक काका कह रहा है, काका क्या कर रहेगा, काका एक को डाउन कर लेगा या नहीं, तो देखते क्या होता है। तो बहुत खूबसूरत, वाह भाई वाह, बादल ने क्या बंदे को कैसे मार दिया।
तो भाई जो जो जिस टीम को सपोर्ट कर रहा है, तो उधर आप देख सकते हो पिंग हाई हो जाते हैं, पता नहीं क्या मसला होता है पिंग में। तो हमारे पास तो नेटवर्क भी फुल है, आप देख सकते हो पूर जिए। तो बादल का 3 किले और जैन का 2 किले, रिक्शा का 0 किले। अगर आप ले तो वीडियो ऊपर लूंगा, इधर नेट हाई हो जाते हैं। रहियाल से ओपी ने एक बंदे को मार दिया, बादल गया, जैन बाकी है। वाह भाई वाह 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 वाह, बंदा मार बंदा मार। गुरुवाल जैन ने पूरी गुरुवाल का इस्तेमाल उधर है मेरे ख्याल से। जैन ने दोनों नाके दोनों नाके दोनों नाके चुका तो बंद मार दिया। तो पता क्यों आता है होता है। तो बहुत से लाइव स्ट्रीम पर बहुत से बंदे आ चुके हैं। तो हम ओवा बिटशा का खूबसूरत गेम, दो बंदे नाक, ओवा तीसरा बंदा नाक, अकेला दो बंदे नाक और अकेला गेम कर रहा है बिटशा। ओवा जुआ गुलवाल पे गुलवाल लगा रहा है। ओवा ओपी ने मेरे ख्याल से राउंड ले लिया, 2-1 से जा रहा है। तो बहुत से बंदे आ चुके हैं। क्या क्या बोल रहा है ये बंदा, स्कलर अलाउड है क्या अलाउड है, कुछ समझ में नहीं आया। लॉन्ग रेंज अलाउड है भाई, लॉन्ग रेंज आप चला सकते हो, लॉन्ग रेंज अलाउड है गेम में। तो क्यूट की बात करें तो क्यूट कैसे पर के लिए, इधर दादा की बात करें तो दादा के नेटवर्क की इशू हो सकती है, क्यों आगे पीछे जा रहा है। अगर काका की बात करें तो काका ने बहुत खूबसूरत गेम किया इस राउंड, इस पहले राउंड, इससे पिछले राउंड में। अगर बादल की बात करें तो बादल गया तो मेरे ख्याल से फिर एसएस गया, सुसाइड स्क्वाड को एक ही बंदा है बादल। अगर बादल गया तो फिर समझो सुसाइड स्क्वाड भी गया। इधर प्लस प्लाइट हो गया, दो बंदे ना के ओपी से, ओपी से दो बंदे एलिमिनेट हो चुका है। तो क्यों नेटवर्क की नेटवर्क की इशू है। ओपी दादा केला मार रहा है बंदे को, ओपी का क्यूट भी डाउन है। तो दादा ने एक बंदे को ना किया है, तो चलो देखते क्या करता है। तो मेरे ख्याल से दादा केला पूरा स्क्वाड को नहीं मार पा सकते, क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा डाउन है, उसको ख़त्म भी किया। तो मेरे ख्याल से ओपी का नेटवर्क का मसला आ चुका है। तो 3 किल किया जैन भाई ने और बिटशा का 1 किल है। तो मेरे ख्याल से ओपी का नेटवर्क का क्यों इशू है, नेटवर्क इशू तो मेरा है भाई, अभी ठीक हो गया। तो आपको बताता चला कि इसके बाद ये खूबसूरत मैच होगा जो पीटी पादरो वर्सेस T70 के दरमियान खेला जाएगा। तो ओपी ओपी बहुत गलत गेम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, एक साथ रश नहीं मार रहे, मसला तो ये बन रहा है। हेलो जी, बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। अगर क्यूट की बात करें तो क्यूट डिसेटिकल यूज करते हुए सामने बंदा हुआ मेरे ख्याल से। हाँ हाँ ये लाउड है, स्केलर है, लाउड है, लाउड है, सिर्फ कोरोना ही लाउड नहीं है, कोरोना। ओ ये लाउड है, लाउड है, कोरोना ही लाउड नहीं है गेम में, सिर्फ कोरोना ही लाउड नहीं है यार। तो बादल का डबल किल, बादल के अगेंस्ट ट्रिपल किल किया इस राउंड में। तो बादल की बात करें तो बादल एक फ्रो है, वेलकम ब्रो वेलकम। तो बादल जिस तरह खेल रहा है, अगर बादल गया तो समझो
पूरा स्क्वाड गया सुसाइड का। इधर मैं जिस मैप पर वीडियो कर रहा हूँ ना, तो इसका वीडियो हाई हो जाते, पता नहीं बड़ा एफ है। अगर मैं लेट पर मैं करूँगा तो उसका नेटवर्क हाई नहीं जाता है। ओपी क्या कर रहे हो भाई, ओपी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं, एक दादा बाकी है। तो अगेन हेलो, तो लीजेंड गेमिंग आ चुका है लाइव स्ट्रीम पर, वेलकम ब्रो वेलकम। तो इधर हो इस बादल का 9 किल के साथ आगे जा रहा है, और जैन भाई 4 किल के साथ, बेट शाह बेडमाश है, सॉरी यार, 4 किल के साथ जानी है, 2 किल के साथ। इधर ओपी वाले जो बंदे हैं ना, हेलो पाक से 19 गेमिंग आ चुके हैं, वेलकम ब्रो। इसके बाद आपका मैच है ना, रेडी रहना, क्योंकि खो बीटी पादर वाले मेरे ख्याल से रेडी है। तो क्यूट की बात करें ना, क्यूट ओके 0 किले इस मैच 5 राउंड में। तो T7 ही वाला गेमर आ चुके हैं, आई लव यू टू मेहरान। ओ मार भाई, क्या बात है, क्या कर रहे हो यार, हेडशॉट क्यों नहीं दिया इस बंदे को? खूबसूरत गुरुवाल का इस्तेमाल किया, लेकिन बंदा उधर, इसका एक ही बंदा डाउन है जो। इधर उस दूसरा बंदा भी बाद का बात करे तो बहुत प्रो बंदा नजर आ रहा है इस दफा, बहुत अच्छी गेम प्ले है इसका। ओ बादल डाउन, मेरे ख्याल से बादल गया तो मेरे ख्याल से सोसा स्क्वाड भी गया। तो इधर जैन की बात करते तो जैन बड़ी एफ है ना, तो बड़ी एफ है इसी वजह से ना, तो देखते क्या करते हैं। तुम्हारा आवाज़ तो समझ में नहीं आया, तुम क्या बोल रहे हो? उसका एक ही बंदा डाउन है, सिर्फ क्यूट बाकी है, इसका काका डाउन है। और क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया यार। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो नेटवर्क ठीक हो गया, पता नहीं क्या मसला था, अभी तो 90 नेटवर्क आ रहा है, अभी कोई मसला नहीं है। अभी तो नेटवर्क का मसला ही है। तो मेरे ख्याल से ओपी वालों ने मेरे ख्याल से ये मैच आसानी से जीत लिया, हार लिया, क्योंकि हो जिस तरह वो गेम खेल रहा है ना, तो उसी तरह से मुश्किल है अगर ये एक राउंड और भी जीत सके। लेकिन वो सुसाइड स्क्वाड, तो इधर वो मेरे ख्याल से खूबसूरत गेम प्ले इस बादल की तरफ से, बादल बहुत अच्छा गेम प्ले। काका काका क्या कर रहे हो, बंदा मार भाई, लास्ट राउंड है। बादल तो गया डाउन नहीं है, गया खत्म किया। तो इधर बेट शार्ट इसका एस एस जानी भी डाउन है। तो मेरे ख्याल से ओपी वालों ने मेरे ख्याल से स्टार्ट ले चुका है, अभी 2 वर्सेस 3 है उसका एक। वाह भाई, क्या कार, क्या बात है, दादा ने वाह जी वाह, दादा ने 2 काका का 7 किले। तो बहुत ओपी गेम, मैंने बोला था कि अगर इसका बादल गया तो समझो सुसाइड स्क्वाड पूरा गया, एक ही बादल है जो जो गेम प्ले कर रहा है। अगर आप बादल की बात करें तो बादल बहुत अच्छी प्लेयर है, इधर काका अच्छा प्लेयर है दूसरे ओपी में, और इधर बादल है। अगर बादल गया तो मेरे ख्याल से फिर मुश्किल पड़ सकता है सुसाइड स्क्वाड के लिए। तो इधर बेट शाह की बात करें तो वो अच्छा खेल रहे है, आई लव यू आई लव यू आई लव यू टू। तो इधर जानी की बात करें तो
उधर उसके साथ क्यूट जो है ना वो अच्छा गेम प्ले नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक उसका 0 किल है। मेरे ख्याल से 8 राउंड हो चुके हैं 0 किल के साथ जा रहे। तो मसला ये है, जब आपके स्क्वाड में एक बंदा गेम नहीं कर सकता तो फिर मसला हो सकता है। तो इधर वो तो क्यूट अगेन बहुत डैमेज है, और उसका दादा एक काका काका दादा दोनों बहुत तगड़े खिलाड़ी है। इधर बादल की बात करें तो बादल ने रश मारना शुरू किया, इसके पीछे बंदे, उसने बंजर को देख लिया। मेरे ख्याल से गुरुवाल के खूबसूरत इस्तेमाल इधर बादल ने किया, और उधर मेरे ख्याल से काका बादल ने मेरे ख्याल से बंदे को डाउन किया, नहीं खुद डैमेज। तो देखते हैं क्या कर, उसके ऊपर बंदा आ चुका है। मेरे ख्याल से बादल ने भागने की कोशिश की थी, इधर आ चुका है काका। काका मेरे ख्याल से रोड कर रहा है, रोड में ही डाउन हो गया। क्या कर रहे हो दादा भाई? तो मेरे ख्याल से ये मैच आसानी से ओपी वाले ने जीत लिया। तो इधर बात करें क्यूट की, तो इसका एक ही बंदा डाउन है, इसने ओपी ने अपने बंदे को उठा लिया। तो फिर गेम हो सकता है, फिर गेम हो सकता है अगर बंदे को उठा लिया। लेकिन उठाने से पहले वो गुरुवार लगा गया, जा अपनी बंदे को उठा लो भाई, अगर उठा लिया तो फिर अच्छा हो सकता है, नहीं उठा लिया। अभी काका के लिए 2 बंदे हैं, अभी क्यूट के लिए क्यूट मार दिया भाई, क्या पाइम प्ले खेला। तो गुड गेम, वेल प्लेड ओपी वाले ने, लास्ट में बहुत अच्छी गेम प्ले की। लेकिन एसएस वाले सोसाइड स्क्वाड ने ये आसानी से विन किया कि इसमें कोई अच्छी मुकाबला देखने को नहीं मिला। लेकिन इसके बाद जो भी मैच है वो बहुत दिलचस्प होने वाले, क्योंकि उसमें T70 वर्सेस BT फादरगेट आमने सामने होगा, जो बहुत खतरनाक होने वाली है। सॉरी भाई, पहले में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, लास्ट में साल हो गया, पता नहीं क्या मसला आ रहा था। तो इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, ओपी बेट फादर वर्सेस T70। तो उसको चाहिए कि वो अपनी रेडी रहे, मैं कस्टम बना रहा हूँ, आप लोग रेडी रहो। तो विलफ्रेड दोनों ने बहुत अच्छा गेम प्ले किया, लेकिन जो गेम होता है तो हार जीत का हिस्सा होता है, तो ये तो गेम का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से बादल ने अच्छा गेम प्ले किया, विशाल भाई बहुत अच्छी गेम प्ले किया। तो चलो, इसके बाद जो भी मैच है T70 को चाहिए को अपनी टीम को रेडी रखे, क्योंकि मैं कस्टम बना रहा जा रहा हूँ। तो मैं ये वीडियो इस पर रोकता हूँ, क्योंकि मैं एक ही कस्टम का एक ही वीडियो बनाता हूँ। तो हमारे पास शाजीनो बड़ा भी आ चुका है, तो चलो चलते हैं, वीडियो को थोड़ा सा रोकते हैं, बाद में मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर रहा हूँ, उस पर आ जाओ, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन, चलो नेक्स्ट गेम में मिलते हैं।